दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज़ है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉश के न्यूली लॉन्च हुए सीरीज 6 के फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि है 8 kg का। इस मशीन का मॉडल नंबर है WAJ2846SIN। ये 8 किलो का वॉशिंग मशीन है, यानी कि आप इसमें तकरीबन 8 किलो तक का सूखे कपड़ों को एक साथ धो सकते हो। इस मशीन के अंदर 15 वॉश प्रोग्राम दिए हुए हैं। इस मशीन के अंदर वेरियो ड्रम दिया हुआ है, जो कि वेव ड्रॉपलेट डिज़ाइन के साथ में आता है। इसके अलावा टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल, फास्टर रीडिंग का स्टिकर, इको साइलेंट ड्राइव इन्वर्टर मोटर, एंटी टेंगल फीचर और रीलोड का ऑप्शन भी आता है। इस मशीन का MRP है 47,999 और ये मार्केट में बेचा जाता है तकरीबन 39,000 के आसपास के प्राइसिंग में। प्राइसिंग और ऑफर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप लिंक पे जाके इसे परचेस भी कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो को भी एंडिंग तक ही पूरा देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन के बटन पर जाकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन सीरीज 6 का न्यूली लॉन्च हुआ वॉशिंग मशीन है, जो कि 1400 RPM के साथ में आता है। ये मॉडल अक्टूबर 2020 में ही इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। ये है इसका डिटर्जेंट कंपार्टमेंट, जहां पर पहला ऑप्शन आता है प्री वॉश का, दूसरा ऑप्शन आता है सॉफ्टनर का और तीसरा ऑप्शन आता है मेन वॉश का। इस मशीन के अंदर 15 वॉश प्रोग्राम आते हैं, जिन्हें सिलेक्ट करने के लिए क्रोम फिनिशिंग वाला नॉब दिया हुआ है, जो कि क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों तरफ मूवमेंट करता है। ये मशीन टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल के साथ में आता है, जिसके अंदर LED डिस्प्ले स्क्रीन, प्रोग्राम स्टेटस, टेम्परेचर, स्पिन स्पीड, रिमेनिंग टाइम, लोड रिकमेंडेशन और एनर्जी कंजम्पशन भी बताता है। ये मशीन 5-स्टार रेटिंग के साथ में आता है, जिसकी वजह से वाटर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी कम होता है और आपको बढ़िया वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। इस वॉशिंग मशीन के डोर के ऊपर क्रोम फिनिशिंग का डिजाइन दिया हुआ है और अंदर का जो ड्रम होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। इस ड्रम को कंपनी की तरफ से वेरियो ड्रम का नाम दिया गया है, जो कि दागों के लिए टफ और कपड़ों के लिए सॉफ्ट होता है। इस ड्रम के ऊपर वेव ड्रॉपलेट डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी वजह से आपको वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। और ये जो अंदर का ड्रम है वो पूरा का पूरा जॉइंट फ्री होता है, यानी कि इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं किया गया है। अगर हम इस मशीन के वॉश प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला प्रोग्राम दिया हुआ है क्विक 15 और क्विक 30। क्विक 15 में आप 2 किलो के लाइटली सॉइल कपड़े सिर्फ 15 मिनट में धो सकते हो। क्विक 30 में आप 4 किलो तक का लाइटली सॉइल कपड़े सिर्फ 30 मिनट में धो सकते हो। दूसरे प्रोग्राम का नाम है एंटी बैक्टीरिया। इसके अंदर आपको 60 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। आप इस प्रोग्राम के अंदर कॉटन के कपड़े, लिनन, बच्चों के कपड़े या पेशेंट्स के कपड़ों को धो सकते हो। तीसरे प्रोग्राम का नाम है फ्रेशन अप। इस प्रोग्राम के अंदर आप 2 किलो तक के कॉटन के या सिंथेटिक कपड़ों को धो सकते हो, ताकि कपड़ों में लगा हुआ डट और मिट्टी आसानी से निकल जाए। चौथे प्रोग्राम का नाम है जींस और डार्क वॉश, जिसके अंदर आप चाहो तो जींस के कपड़ों को धो सकते हो। पाँचवा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वियर, जिसके अंदर आप टी शर्ट्स या पैजामे को धो सकते हो। छठे प्रोग्राम का नाम है शर्ट्स, जिसके अंदर आप कॉटन के या लिनन के कपड़े को धो सकते हो। सातवां है रिंस, आप सिर्फ रिंस करने के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो। आठवां है स्पिन प्लस ड्रेन, आप सिर्फ कपड़े को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नवे प्रोग्राम का नाम है ड्रम डी स्केल, आप ड्रम को क्लीन करने के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो। दसवां है वुलन, जो कि वुलन के कपड़ों के लिए दिया गया है। ग्यारहवा है डेलिकेट सिल्क, आप सिल्क के कपड़ों को इसके अंदर धो सकते हो। बारहवा है मिक्स लोट, आप सारे कॉटन के मिक्स कपड़ों को इसके अंदर धो सकते हो। तेरहवा है सिंथेटिक, जिसमें आप सॉफ्ट कपड़ों को धो सकते हो। चौदहवें प्रोग्राम का नाम है कॉटन 60 डिग्री, इसके अंदर आप कॉटन के जिद्दी कपड़ों को धो सकते हो, जिसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट में है कॉटन, जिसमें आप कॉटन के नॉर्मल कपड़ों को किसी भी टेम्परेचर के अंदर धो सकते हो। अगर हम इस मशीन के कंट्रोल पैनल की बात करें तो ये टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है टेम्परेचर का, आप यहाँ से टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। दूसरा है स्पिन स्पीड, आप यहाँ से स्पिन RPM को सेट कर सकते हो। तीसरा है डिले स्टार्ट, आप इस मशीन के अंदर 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का डिले स्टार्ट के टाइमिंग को सेट कर सकते हो। इसके बाद में दिया हुआ स्पीड का ऑप्शन, अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर स्पीड के फंक्शन को ऐड करते हो तो प्रोग्राम का ड्यूरेशन तकरीबन 65% तक का कम हो जाता है और इसमें 20% तक का लेस एनर्जी कंज्यूम होती है। इसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है एंटी रिंकल का, अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को एक्टिवेट करते हो तो तकरीबन 50% तक का रिंकल्स कम पड़ते हैं कपड़ों के ऊपर, ताकि कपड़े डैमेज ना हो। इसको प्रेस करने के बाद में स्पिन RPM ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, कपड़े थोड़े गीले रहते हैं लेकिन कपड़ों में रिंकल्स नहीं पड़ पाता। इसके बाद में दिया हुआ है एंटी टेंगल का ऑप्शन, अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को एक्टिवेट करते हो तो तकरीबन 50% तक कपड़े लेस टेंगल होते हैं। इस ड्रम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इस वजह से कपड़े एक दूसरे में जल्दी उलझ नहीं पाते हैं और आप इन्हें निकाल कर डायरेक्टली आयरन भी कर सकते हो। इसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ स्टार्ट और पॉज का, आप यहीं से प्रोग्राम को सिलेक्ट या पॉज कर सकते हो। उसी के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है रीलोड का, अगर आप किसी कपड़े को ऐड करना भूल गए हो तो आप रीलोड के बटन को प्रेस करके मशीन को पॉज करके डोर को ओपन करके
कपड़े को रीलोड भी कर सकते हो। प्रोग्राम के अंदर एनर्जी कंजम्पशन कम होता है कि ज़्यादा, उसका इंडिकेशन आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप लिंक पर जाकर इसे परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।